परीक्षा जिस तरह से शुरू कराई गई है उसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि जब परीक्षाएं होनी होती है, पहले से ही डिसाइडेड है कि सेकेंड सेमेस्टर होगा या थर्ड सेमेस्टर होगा, तो हम लोग अपनी तैयारी पहले से क्यों नहीं करते हैं? ये प्रश्न हमारा विश्वविद्यालय से है। जैसे कि परीक्षा होने वाली है, बीसी ने भी साफ कह दिया है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा 20,000 का, जितने भी नोडल केंद्र है वो सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट रखे जाएंगे, सर अच्छी तरीके से एग्जाम कराएगा, तो क्या लग रहा है गड़बड़ी होगी या मतलब सर परीक्षा अच्छी तरह से हो पाएंगी, आप लोग क्या लगता है? देखिए, जो बात हमें लगती है 20,000 रुपए का जुर्माना, वो ऐसा जुर्माना नहीं है जिससे कि हम नकल को रोक पाए, क्योंकि ये सब जो जीरो ट्रैकिंग है या सीसीटीवी कैमरे से कनेक्टिविटी है, ये तो जो डेली एग्जाम हो रहा है और डेली कनेक्टिविटी हमें देखनी पड़ती है, तो ऐसे में ऑब्जर्वर बैठाए जाएं वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर, उससे हम ज़्यादा सफल होंगे। और पिछले सालों में ये सब करने के बाद भी हमारी नकल नहीं रोक पाए हम, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ फ्रूटफुल तरीका विश्वविद्यालय को अपनाना चाहिए ताकि ये नकल को हम या नकल विहीन परीक्षाएं हम करा पाए। उसके लिए हम लोग लगातार सचेत हैं और विरोध भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय हमारी बातों पर, ओटा संगठन पर ध्यान दे कि वो भी यही चाहता है कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएं। और उस लोग जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार नहीं, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं, लेकिन ये केंद्र कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका हमें अभी कोई संज्ञान नहीं। किस बार परीक्षाएं हो रही हैं, किस तरीके से विश्वविद्यालय कराने जा रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर सारे के सारे एक ही नियम के तहत, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य करते हैं। जहाँ तक बात हमारे विश्वविद्यालय की नकल की बात है, तो नकल की बात ये है कि यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं, जो वैधानिक समितियां हैं उनको बाईपास करके करे जा रहे हैं, और बाईपास करने का एक ही उद्देश्य होता है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का। अन्यथा परीक्षा का सारा दायित्व परीक्षा समिति का है, परीक्षा समिति के लोगों को बिना बताए, क्योंकि हम बार बार पूछ भी रहे हैं कि भाई कौन परीक्षा केंद्र बना रहा है, कौन नए नए आदेश जारी कर रहा है। कल के अखबार में एक तुगलकी फरमान सुनने को मिला कि भाई क्या, कि जिस कॉलेज का सीसीटीवी कैमरा विश्वविद्यालय के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा जिस दिन का, उससे 20,000 करोड़ जुर्माना कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप करप्शन को लीगलाइज कर रहे हो कि आप पूरे दिन नकल कराओ और शाम को 20,000 रुपये जमा कर दो, सीसीटीवी कैमरा बंद रखो। तो विश्वविद्यालय एक तरीके से करप्शन को लीगलाइज कर रहा है, और 20,000 का जुर्माना जिस दिन मैथमेटिक्स का पेपर है कोई भी कॉलेज दे देगा और पूरे दिन नकल कराएगा शाम तक। तो ये चीज जिसको ये, और ये निर्णय किसने लिया है? ऐसा कोई निर्णय परीक्षा समिति में चर्चा में आया ही नहीं। 8 तारीख को किसने तुगलकी फरमान जारी कर दिया? ये केवल एंड केवल सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज को डराना, उनसे वसूली करने का एक माध्यम है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी और सदस्य परीक्षा समिति, इन लोगों को विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ हो गईं और परीक्षा समिति के सदस्यों को अंधकार में रखकर विश्वविद्यालय जो निर्णय कर रहा है वो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा संदेह के घेरे में है। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में बहुत लंबे समय तक मैं रहा हूं, जो वर्तमान हालात से यह विश्वविद्यालय गुजर रहा है निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज शिक्षक संगठन किसके पास जाएं? अपनी बैठकों में विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराने के अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है। और तो और ऐसी स्थिति है कि यह उत्तर भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, यहां एक वर्ष से ज्यादा हो गया स्थायी कुलपति नहीं है जी। जो इस समय लोग आ रहे हैं केवल यहां पे अपनी अटैची भरने के लिए यहां पे आ रहे हैं,
जो शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जो अवगत कराया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है और शिक्षक केवल ये मांग कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचार खत्म।